अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं। चल आइए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मिल्क है, 1 लीटर मिल्क यूज़ करेंगे, 1 कप शुगर, 2 टेबलस्पून भर के चॉकलेट चिप्स, 2 टेबलस्पून क्रंच, ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं पिस्ता बादाम, 3 to 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट, 3 टेबलस्पून इंजीर है, 1 कप मिक्स फ्रूट, 300 ग्राम फ्रेश क्रीम है। इसको अच्छी तरह बीट कर लें और बीट करके इसको फ्रिज में रख दें। चलें स्टार्ट करते हैं। दूध को हमने बॉयल करना है। दूध में देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसमें अब चीनी ऐड कर देंगे। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और दूध को हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। ये देखें इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। इसको हमने आधा घंटा तक पकाया है और इसको इतना हमने थिक करना है। अब इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हमने रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है। इसको अब ये देखें रूम टेम्परेचर हमने इसको ठंडा कर लिया। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को आप पहले जो है अच्छी तरह बीट करके फ्रिज में रख दें ताकि ठंडी चिल्ड हो। इसको आप अच्छी तरह जो है बीट कर लें। ये देखें इसको अच्छी तरह बीट कर लें, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। अब इसमें हम मिक्स फ्रूट ऐड कर देंगे, इंजीर, ड्राई फ्रूट, आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी। इसको आप मिक्स कर लें। इसमें क्रंच जो है ये हमारा होममेड क्रंच है, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूंगा आपसे। इसको आप अच्छी तरह जो है सबको मिक्स कर लें। चॉकलेट चिप्स इसको आप जो है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है इसको आप फ्रिज में रख दें ओवरनाइट और फुल चिल्ड करके इसको आप सर्व करें। इसको आप डिश आउट करते हैं। इसको आप फ्रिज में रखें ओवरनाइट, ठंडा करें, नेक्स्ट डे इसको खाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम।